लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा कुछ डिस्कस करा था ऐसे कुछ टाइप के इक्वेशन को, जो कि कैसे थे तो एग्जैक्ट फॉर्म के जैसे, लेकिन उसमें जब हम एग्जैक्ट की कंडीशन चेक करने जा रहे थे ना, तो सेम सेम नहीं आ रही थी। तो हम क्या करते हैं, उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखते हैं जो कि क्या है, एग्जैक्ट के फॉर्म में नहीं है, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो यानी कि हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जैक्ट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कब एग्जैक्ट के फॉर्म में नहीं रहेगा, उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसा है, एम डी एक्स है प्लस एन डी वाई है, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से डेल एम बाय डेल वाई निकालें और डेल एन बाय डेल एक्स निकालें, ये आपस में इक्वल नहीं आता है, तो नॉन एग्जैक्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि क्या है, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, क्योंकि जो हमारा एम और एन होता है इसमें एक्स वेरिएबल भी रहता है वाई वेरिएबल भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक टर्म सीखेंगे जिसे हम नाम देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये कुछ ऐसा फाई फंक्शन होता है, फाई ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई में कोई ऐसा फंक्शन होता है जिससे कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या है, कुछ एक्स और वाई में ऐसा फंक्शन है जिससे हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट के फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसे ही फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फंक्शन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, क्या है, वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, और ये फंक्शन किसका है, वाई वाई डैश का, यानी डी वाई बाय डी एक्स का। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर इसके साथ में डी वाई भी आएगा। ठीक है, तो एक्स के डी एक्स के साथ में जितनी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई अपनी, एम की वैल्यू हो गई, यानी कि एम की वैल्यू कितनी हो गई, वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, और जो डी वाई के साथ में वैल्यू रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, एन, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू एक्स वाई ई टू द पावर एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, जानबूझ के थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ लिया है, इजी सा समझ लेना था मेरे को। ठीक है, चलो ये सम कर लेते हैं डिस्कस, फिर अपन और इजी की तरफ जाएंगे। अब यहां से एम का क्या करते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी कि डेल एम अपॉन में डेल वाई, तो कितना आएगा, देखो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले इसका वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वाई, और ये ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, और जब हम वाई स्क्वायर छोड़ेंगे तो ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर का ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर ऐसा ही, और फिर एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर का कितना, टू वाई, और ये एक्स ऐसा ही, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन कि डेल एम बाय डेल वाई कितना आ जाएगा, टू वाई ई टू द पावर एक्स वाई का स्क्वायर, और फिर प्लस में वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर और टू वाई एक्स ऐसा आ जाएगा। और यहाँ से इसका अगर हम एन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो टू वाई ई टू द पावर एक्स, तो जब हम यहाँ से टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, टू एक्स ऐसे लिख देते हैं, और डिफरेंशिएशन करते हैं ई टू द पावर कितना, ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर ये एज इट इज आ जाएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा और वाई स्क्वायर इसके साथ में, तो ये वाई स्क्वायर और यहाँ का जो वाई है ऑलरेडी पहले से ये दोनों मिलके वाई का क्यूब बना देंगे और ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा।
अब इन दोनों वैल्यूज को आप देखिए, कौन सी दोनों वैल्यूज को, ये जो m डेल m बाय डेल y है और डेल n बाय डेल x। पहला तो देखो ये टर्म पूरा सेम सेम सा दिख रहा है ना, और शायद से दूसरा टर्म भी सेम सेम सा है। ये y का स्क्वायर है, ये y है तो y का क्यूब हो गया, और यहाँ पर ये x है तो ये x आ गया, और ये 2 है तो 2 है, e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि एम वाई यानी कि डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स दोनों इक्वल है, मतलब ये क्या है, एग्जैक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, क्या है? ये एग्जैक्ट के फॉर्म में है, और अगर एग्जैक्ट के फॉर्म में नहीं रहेगा तो ये आपस में इक्वल नहीं आएगा। ओके, तो यहां से क्या आ गया, डेल एम बाय डेल वाई निकाला, डेल एन बाय डेल एक्स निकाला, दोनों की वैल्यू निकाली तो दोनों इक्वल आ गए। अब देखो इसी में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या चेंज करने की कोशिश करते हैं, ये जो वैल्यू दी हुई है इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं जिससे कि ये एग्जैक्ट ना बचे, और एग्जैक्ट ना बचे इसके लिए थोड़ा सा ये चेंज करते हैं कि जो भी इक्वेशन हमें दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया है यहाँ पर, यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन था हमारा। ठीक है, तो अब इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये एग्जैक्ट के फॉर्म में ना आए। चलो एक काम करते हैं, इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, पूरे इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये इससे कैंसिल, तो कितना बचेगा, ई टू द पावर एक्स वाई का स्क्वायर और डी एक्स, प्लस में एक वाई यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 2x अपॉन में y बचेगा और e टू द पावर एक्स वाई का स्क्वायर डी वाई बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन को अपन देखते हैं कि ये अब बचा हुआ ये इक्वेशन है, क्या ये एग्जैक्ट है, क्या ये एग्जैक्ट है। तो देखो यहाँ से dx के साथ में इतनी वैल्यू है, ये अपना हो गया m की वैल्यू, यानी कि कितना, e टू द पावर एक्स वाई का स्क्वायर, और यहाँ से डी वाई के साथ में जो है वो n की वैल्यू, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2x अपॉन में y e टू द पावर एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पता करते हैं अपन डेल m अपॉन में डेल y, ये पता करेंगे तो क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है तो कितना आ जाएगा, e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा तो कितना आ जाएगा, 2y के साथ में x। ऐसे ही डेल n अपॉन डेल x पता कीजिए, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले यहाँ से x का डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में y e टू द पावर एक्स वाई का स्क्वायर, और फिर अगर 2x अपॉन y, ये x अपन छोड़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं y e टू द पावर का, तो e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज और इनटू कितना, 2xy और आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखो तो ये जो डेल एम बाय डेल वाई है और ये जो डेल एन बाय डेल एक्स है, ये आपस में इक्वल नहीं है, डेल एम बाय डेल वाई डेल एन बाय डेल एक्स ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो देखो ये आपस में इक्वल आ कब रहे हैं, जब हमने यहाँ पर वाई स्क्वायर से डिवाइड नहीं कर रखा था। देखो यहाँ से वाई स्क्वायर इसके साथ में था तब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा था। ओके, जब हमारे पास ये वाई स्क्वायर था, यहाँ पर वाई था, तब हमने ये देखा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा था, डेल एम बाय डेल एक्स, डेल एम बाय डेल वाई निकाला हमने, डेल एन बाय डेल एक्स निकाला, दोनों आपस में इक्वल आए। लेकिन हमने जब यहाँ वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो डेल एम बाई डेल वाई कुछ अलग आ रहा है और डेल एन बाई डेल एक्स कुछ अलग आ रहा है, मीन्स दैट अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमने क्या करा, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये एग्जैक्ट बन गया। क्या बन गया, इस इक्वेशन को जब हमने मल्टीप्लाई करा किससे, वाई स्क्वायर से, तब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट था, एग्जैक्ट था, यानी कि तब डेल एम बाय डेल वाई क्या था, डेल एन बाय डेल एक्स से इक्वल था, लेकिन अभी ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वाई स्क्वायर क्या हो गया, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया,
यही तो पढ़ा हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन में, कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ये कुछ फंक्शन होता है। जैसे मान लो हमारे पास ऐसा कोई सा इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, ये एग्जैक्ट के फॉर्म में नहीं है, मतलब ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारे पास कोई सा ऐसा फंक्शन आ जाए फाई एक्स वाई, सो दैट कि इससे जैसे हम मल्टीप्लाई करें उसके बाद ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट के फॉर्म में आ जाए, तब हम इसे क्या बोलते हैं, तब हम इसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमने ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमने वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके रखा था, यानी कि इस फॉर्म में था, तब ये एग्जैक्ट था। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वाई स्क्वायर है। ओके, सिंपल करते हैं डिस्कस। जैसे मान लो सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते अपन, ऐसा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये एक हमारे पास इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे हमें देखना है और बताना है क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट होता है तो सॉल्यूशन पता करते आता है। पहला अपना अपना टास्क ये है कि अपन एग्जैक्ट देखते हैं कि नहीं है। तो डी एक्स के साथ में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, यानी कि एम की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, माइनस में वाई, और डी वाई के साथ में जो है वो एन, यानी कि ये वैल्यू जो है कितनी हो गई अपनी, एन की वैल्यू हो गई। यहाँ से पता करते हैं डेल एम बाय डेल वाई, डेल एम बाय डेल वाई तो कितना आ जाएगा, माइनस वन, क्योंकि वाई का डिफ्रेंशिएशन वन। यहाँ से पता करो डेल एन बाय डेल एक्स कितना आएगा, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन। इन दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही वैल्यूज को देखो तो आपको यही दिखेगा कि डेल एम बाय डेल वाई जो है ये डेल एन बाय डेल एक्स के इक्वल नहीं है। नहीं है मीन्स दैट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है। गॉट इट? अब ये एग्जैक्ट नहीं है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन मान लेते, चलो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन नंबर वन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं अपने मन से किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको वन अपॉन एक्स स्क्वायर से। क्या करता हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग वन बाय वन बाय एक्स स्क्वायर। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे वन बाय एक्स स्क्वायर से तो ये कितना हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इस फॉर्म में एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। अब इसको देखो दो तरीके से, एक तरीका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मतलब डायरेक्ट इंस्पेक्शन से ही आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। कैसे आ जाएगा देखो, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाय एक्स, देखो यही मतलब होगा इसका। अगर इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे ना तो ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ना यही आएगी, है ना। ऐसा ही होता ना, डिनोमिनेटर छूटेगा y का डिफरेंशिएशन dy, और फिर न्यूमरेटर छूटेगा तो डिनोमिनेटर x का डिफरेंशिएशन dx, और ये x स्क्वायर जो डिनोमिनेटर रहता है इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाली टर्म जो लिखी है वही नीचे लिखी है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, y बाय x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये इंस्पेक्शन मेथड से अपन ने सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा हमने यहाँ देखा और समझ में आया, नहीं हाँ ये वैल्यू हो सकती है। चलो इसको एग्जैक्ट के तरीके से भी सो करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या इसको एग्जैक्ट के तरीके से कर पाएंगे। सेपरेट कर देते हैं दोनों वेरिएबल को, x अपॉन में एक्स स्क्वायर डी वाई और माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। कितना बचेगा, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर डी वाई, सॉरी वन अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, वन अपॉन एक्स आएगा, वन अपॉन एक्स डी वाई माइनस में वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब इसे देखो, यहाँ से m की वैल्यू आपके पास माइनस में y अपॉन में एक्स स्क्वायर है, और n की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन में x। डेल m बाय डेल y पता करो, तो डेल m बाय डेल y का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, कितना, माइनस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा,
और यहाँ से n का डिफरेंशिएशन करो तो डेल n अपॉन में डेल x कितना आ जाएगा, x की पावर ऊपर लेके जाओगे तो माइनस, x की पावर कितना -1 हो जाएगा, -1 आगे तो माइनस आगे और इसकी पावर एक और कम तो ये बन जाएगा। अब देखो तो आपको क्या देखने को मिलता है, डेल एम बाय डेल वाई जो है वो डेल एन बाय डेल एक्स के इक्वल है। इक्वल कब आ रहा है, जब हमने उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया 1/x² से। ये तो कहा हमने मल्टीप्लाइंग बाय 1/x² मीन्स दैट कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अभी तो एग्जैक्ट के फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं 1/x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए ये डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स आ जाता है। इसका मतलब 1/x² से मल्टीप्लाई करने पर ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये कितना है, 1/x² है ना। डेल एम बाई डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स डेल एन बाई डेल एक्स नहीं आया, तो हमें ऐसे फंक्शंस को ढूंढना है कि हम कुछ ऐसे फंक्शंस को ढूंढ पाए जिसकी हेल्प से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कर सकें, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो काफी आसानी होती है, मतलब थोड़ा सा कुछ कुछ मेथड्स रहेंगे यहाँ पर। जैसे कि एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। क्या, इंस्पेक्शन मेथड। अब ये इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, कुछ कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक मेथड अभी सीखा था ये वाला, ठीक है, कि हमने ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन देखा और यहाँ पर मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पर 1/x² से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐसा कर दूँ यानी कि ऐसे फॉर्म में लेके आ जाएं एक्स डी वाई माइनस कितना वाई डी एक्स अपॉन में x², तो हम इस वैल्यू को हम कैसा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाय एक्स लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट इंस्पेक्शन से हमें ये समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा हमें ये डिफरेंशिएशन थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, जिससे कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे डायरेक्ट देख के ही बता पाए, ठीक है। ये तो इंस्पेक्शन से आ जाता है, नहीं आता है तो हम कुछ कुछ मेथड्स सीखते हैं ना, जैसे डेल एम बाय डेल वाई निकाला, डेल एन बाय डेल एक्स निकाला और इक्वल नहीं आया, नहीं आया तो हम कुछ मेथड्स सीखते हैं, उन मेथड के हेल्प से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स पता करते हैं। अब देखो मैंने आपको पहले एक एक टर्म सिखाई थी, क्या टर्म सिखाई थी, होमोजीनियस क्या होता है और नॉन होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था हमने, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, या सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन हटा ही दो इसके बीच से, तो होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है। तो होमोजीनियस में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है जो कि एक्स वाई में है, ठीक है, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा देता हूँ, x² प्लस में xy प्लस में y², ठीक है। अब यहाँ से हम ऐसा कुछ कर सकें कि हर देखें हर एक टर्म में जो पावर है वो सेम पावर है। देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पर 1, 1, 2, यहाँ पर भी 2, होमोजीनियस है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से कोई एक वेरिएबल को कॉमन कर लें, कोई सा एक वेरिएबल कॉमन कर लें, जैसे यहाँ से मैं चाहूँ तो x² कॉमन कर लेता हूँ, x² कॉमन करूँगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ 1 आएगा प्लस यहाँ पर क्या आएगा y/x आएगा प्लस यहाँ पर क्या आएगा y/x का स्क्वायर आएगा, ऐसा कुछ। तो ऐसा हम कुछ कॉमन करें और कॉमन करने के बाद क्या हो, यहाँ पर हमारे पास कोई सा फंक्शन बच जाए जो कि y/x का फंक्शन हो। अगर हम x कॉमन कर रहे हैं तो y/x का फंक्शन हो, और अगर हम इसी में y को कॉमन करें तो y को कॉमन करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर देखिए y को कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, x² अपॉन में y² प्लस में कितना x अपॉन में y और प्लस में 1, है ना।
तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं है यार ये, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाई स्क्वायर आया और इसके साथ में कोई सा फंक्शन, चलो मैं साई ले लेता हूँ, और ये एक्स अपान वाई का फंक्शन बन गया। ओके, तो अगर हम ऐसा कुछ कॉमन करने के बाद ऐसा कुछ फंक्शन हमें मिलता है, तब हम बोलते हैं कि गिवेन डिफरेंस, गिवेन इक्वेशन या गिवेन पॉलिनोमियल इज होमोजीनियस, ठीक है? और अगर नहीं होता है तो होमोजीनियस नहीं है। कितने डिग्री का होमोजीनियस है? जितने डिग्री यहाँ से हम कॉमन कर पा रहे हैं, 2 डिग्री कॉमन कर रहे हैं, इसका मतलब ये 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ से 2 डिग्री कॉमन कर पा रहे हैं, मतलब ये 2 डिग्री का होमोजीनियस है, ठीक है? तो ये मतलब होता है होमोजीनियस का, ठीक है? तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करने सीखेंगे, कुछ कुल 5 एक तरीके रहेंगे, मे भी 5 रहेंगे। यहाँ पर जैसे आपको 4 दिख रहे हैं, एक तरीका ये है कि हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस होने के साथ अगर हम m की वैल्यू पता करें, n की वैल्यू पता करें और दोनों से ये वैल्यू सॉल्व करें, यानी कि एम एक्स प्लस एन वाई सॉल्व करें, और हमारे पास ये नॉन जीरो आ जाए, अगर ये नॉन जीरो आ जाता है तो उस कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहता है, 1 अपॉन में एम एक्स प्लस एन वाई होता है। और बाय द चांस एम एक्स और एन वाई जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, डी वाई नहीं है ना, एम एक्स और एन वाई जीरो हो जाता है, और इस कंडीशन में ये वाली वैल्यू जीरो नहीं होती है, एम एक्स माइनस एन वाई ये नॉन जीरो मिलता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाता है, 1 अपॉन में एम एक्स माइनस एन वाई। और इसके आगे अगर कुछ कंडीशन ऐसी रहती है कि ये वैल्यू हम पता करते हैं, अगर ये कंडीशन रहती है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर एफ एक्स डी एक्स पता कर लेते हैं, अगर इन दोनों ऊपर के दोनों तरीके नहीं होते हैं। और ये दोनों तरीके, ये जो दो मेथड्स हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करने के, एक ये रूल थर्ड वाला, एक रूल फोर्थ वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके हैं, ठीक है? बहुत सारी जगह ये अप्लाई हो जाते हैं। 1 अपॉन m डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स लेते हैं, और इसी को e की पावर करके सॉल्व कर लेते हैं, वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इन मेथड्स को करेंगे डिस्कस, एक 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 अपन टॉप पार्ट लेंगे, जैसे एक ये लेंगे ये रूल और इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर ये रूल लेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर ये रूल और ये रूल लेकर इन पे प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जो है मैं 45 मिनट तक ही क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की, क्योंकि फिजिक्स की क्लास